हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी बैंक एस्पिरेंट बीबीए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज आईबीपीएस आरआरबी के बारे में मैं ये वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी के जो एग्ज़ाम शेड्यूल है हुए हैं वो जो है अगस्त में शेड्यूल हुए हैं। आईबीपीएस ने ऑलरेडी कैलेंडर जारी किया था। तो दोस्तों, मैं एक बात बताती हूँ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ बताओ, एसओ बताओ, क्लर्क बताओ, ये सब में वन एडवांटेज इज दैट कि प्रीलिम्स में यहाँ पे इंग्लिश होता ही नहीं। सो इंग्लिश यहाँ पे नहीं रहता है। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपका इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर वगैरह है, तो आपने ये एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सकते हो। क्योंकि मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए हूँ, वो आईबीपीएस बताओ, एसबीआई बताओ, तो वो कंपैरिजन में आरआरबी का जो है मुझे थोड़ा सा इजी लगा था। प्रीलिम्स का तो बहुत ही इजी रहता है। इजी मतलब भी एक दो तीन महीने तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। इजी तभी होता है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है और आप परफेक्ट हो जाते हो। तो दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक आया नहीं है। अभी मई का ऑलमोस्ट एंड चल रहा है और एक 10 दिन में मई महीना ख़त्म हो जाएगा। देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको इसकी जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपकी अगर नोटिफिकेशन आने के बाद एक 5-6 दिन में ही उसका एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो जाता है, एप्लीकेशन शुरू हो जाता है। तो ये एप्लीकेशन फिल करने का प्रोसेस एक अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 days रहता है। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो जुलाई में आ जाएंगे। जुलाई में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और आईबीपीएस आरआरबी की सब एग्ज़ाम्स लाइक क्लर्क बताओ, पीओ बताओ, एसओ बताओ, ये शेड्यूल किए गए हैं 7th of August, 13th of August, 14th of August, 20th of August एंड 21st August। तो दीज आर द 5 सैटरडे संडेज ऑफ ऑगस्ट वीक, ऑगस्ट मंथ। तो ये जो डेट्स हैं तब इसके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम जो है वो शेड्यूल किए गए आईबीपीएस आरआरबी के। और उसके बाद 24th of September को आपको, 24th of September को आपका आईबीपीएस का आरआरबी का जो स्केल 1 और स्केल 2 का जो एग्ज़ाम है, तो उसके मेंस जो है वो 24th of September को है। और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के बारे में अगर बताओ तो उसका जो मेंस होगा वो होगा 1st of October को। 1st of October को इसका जो है वो मेंस होगा। तो क्लर्क में तो आपको इंटरव्यू नहीं रहता, एसओ और पीओ में हालांकि देयर इज़ अ इंटरव्यू, बट येस यू कैन, इफ़ यू स्टार्ट प्रिपेरिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, सो डेफिनेटली द यू कैन डू दिस एग्ज़ाम। और येस, दिस इज़ द वेरी नाइस जॉब फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब है। आप सही में अच्छे से सीरियसली पढ़ाई किए हो तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन भी हो जाएगा। और तैयारी अगर आपने शुरू की है तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।